सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस क्लास में सीखेंगे आप साड़ी में फॉल लगाना। तो फॉल लगाने से पहले आपको क्या करना है कि फॉल को पानी में भिगोकर रखना है जिससे इसका कड़कपन चला जाएगा और ये फॉल नरम हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होता है कि साड़ी में आपकी परफेक्ट रहेगी। और क्या है कि अगर आप ऐसे ही इसको लगा देंगे और फिर आप साड़ी को धोएंगे तो ये फॉल आपकी सिकुड़ जाएगी, इसलिए पहले पानी में आपको भिगोकर रखना है। तो इसको आप थोड़ा सा 2 मिनट पानी में भिगोकर रखिए जिससे इसका कड़कपन चला जाएगा और ये नरम हो जाएगी। फिर उसको सुखाकर अच्छे से प्रेस कर लीजिए जिससे ये बिल्कुल बराबर से हो जाएगी और फिर हम फॉल लगाना शुरू करेंगे। 2 मिनट तक पानी में आपको डाल देना है जिससे इसका कड़कपन पूरा निकल जाएगा। फॉल को धोकर सुखा दिया है, अब आपको इस पर अच्छे से प्रेस करना है। तो चलिए पहले प्रेस करते हैं। तो प्रेस करते समय आपको ध्यान देना है कि इसकी जो सिलाई होती है वो अच्छे से आपको इस तरह पकड़ना है कि जिससे इस सिलाई का कपड़ा बिल्कुल भी ऊपर की साइड मोड़ा ना हो, नहीं तो लगाते समय ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह खींचते जाना है और इस पे प्रेस फेरते जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो इसके लास्ट का कपड़ा होता है उसको आपको उल्टी साइड ही मोड़ना है, इस तरह पकड़ना है और इस कपड़े को सीधा करना है और अंदर की साइड इसको मोड़ दीजिए। तो इसी तरह आपको दोनों कॉर्नर पर करना है, जो लास्ट का कपड़ा है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है जिससे ये कपड़ा आपका सीधा हो जाएगा। साड़ी में फॉल लगाने से पहले मैं आपको कपड़े में लगाकर दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से फॉल को लगाया जाता है। तो कपड़े को आपको उल्टा रखना है और इस तरह पकड़ना है, सीधे की साइड से आपको पकड़ना है। तो अब मैं आपको धागा डालने के तरीका बता देती हूँ कि आपको कैसे डालना है। तो पहले आपको डबल धागा सुई में डाल लेना है, उसके बाद पीछे की साइड से आपको धागा शुरू करना है। सुई को निकाला और इस तरह लेते जाइए। इसमें आपको क्या करना है कि ज्यादा अगर छोटा आपको धागा डालना है तो आपको पीछे से सुई लेना है और आगे की साइड निकालते जाना है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो धागा है बस उसी के पीछे हमने सुई को रख दिया है और इस तरह बढ़ा दिया है, आगे की साइड बढ़ा दिया है जिससे गैप भी बराबर रहेगा, कि आप देख सकते हैं कि हर एक धागा आपका बराबर जाएगा। तो इससे क्या है कि आप कितना भी छोटा धागा डाल सकते हैं। तो इससे बहुत छोटा छोटा धागा आप डाल सकते हैं और बिल्कुल सफाई से डाल सकते हैं। तो ये जो धागा होता है ये पीछे से भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, एक धागा एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है, ये जल्दी खुलता नहीं है, ठीक है। तो ये धागा डालना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि इस तरह सुई को पीछे से लगाना है और आगे की साइड बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, अब मैं आपको दूसरे तरीका से बताती हूँ। तो अब आप फिर देखिए दूसरी तरह से लगाना, तो उसमें भी धागा आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, डबल ही धागा आपको डालना है, पीछे से ही हमेशा सुई को लगाना है। इसमें लगाने का तरीका थोड़ा फास्ट होगा कि आपको क्या करना है कि इस तरह आगे से लिया सुई को लगाया और फिर आपको थोड़ा सा कपड़ा सुई में भरना है, ठीक है, और फिर पीछे की साइड को बढ़ाते हुए आपको फिर आगे की साइड थोड़ा सा कपड़ा भरना है, फिर आपको आगे की साइड आना है और फिर पीछे की साइड जाना है।
इस तरह आप आगे की साइड सुई को बढ़ाते जाइए। तो इस आइडिया से क्या है, आप जल्दी लगा सकते हैं, तीन तीन धागा सुई में भरेंगे और फर्स्ट निकालते जाएंगे। और फिर इसको मजबूती देने के लिए आपको क्या करना है कि एक धागा पीछे की साइड से लेना है और फिर सुई को आगे बढ़ाया और फिर आप तीन धागा इसमें भर लीजिए। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो आपकी सुई दिखाई दे रही है उतना ही धागा आपका सामने की साइड आएगा। अगर आपने यहाँ पे ज्यादा ज्यादा गैप दिया तो यहाँ पर बड़ा बड़ा धागा आ जाएगा। तो इस तरह आपको देखते जाना है कि यहाँ पे धागा की साइज कितनी आएगी। अब आप पीछे की साइड देखिए कि जो सुई आपकी बाहर की साइड दिख रही है तो बाहर धागे की साइज आपकी यही रहेगी, जितना सुई का आकार है उतनी ही आपका धागा पीछे की साइड रहेगा। तो इतना करने के बाद अब आपको फिर एक धागा पीछे से लेना है और फिर आपको वैसे ही भरना है। तो इस तरह भी आप फॉल को लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूं। तो इस तरह मैंने आपको दो तरीका बता दिए हैं, अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस कपड़े को पलटकर अपने साइड रखना है, उल्टे साइड से आपको लगाना है। तो अब आपको पीछे की साइड पलटकर रखना है। अब आपको देखना है कि साड़ी का सामना आपका इस साइड रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह लगाना है सुई को। तो जो इसमें कपड़ा भरेगा जो सुई में कपड़ा भरता है वही आपका आगे की साइड देखेगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें हल्का सा कपड़ा आगे की साइड आपको लेना है कि जिससे इधर धागा ज्यादा बड़ा ना दिखे। तो देखिए जितना आपका इधर सुई दिख रही है बस उतना ही धागा आपका आता जाएगा। तो इस तरह हमने इसको निकाल दिया है, ठीक है। ऐसे पांच छह धागे को आपको डालना है और फिर क्या करना है कि इसी कपड़े के अंदर सुई को लेना है और इस तरह बांध देना है। तो यहाँ पे इसको बांध दिया है कि जब अगर धागा टूटेगा तो इसके आगे धागा आपका नहीं खुलेगा, इसलिए इसको बांधा जाता है। और फिर आप सुई को बढ़ाइए आगे की साइड। तो अब आप अच्छे से समझ लीजिए कि तीन चार धागे को आपको इसमें भर लेना है और बस खींच देना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको बांधते जाना है, जिससे जब भी धागा टूटेगा तो आगे की साइड नहीं बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि इस तरह आपको फॉल पूरी कंप्लीट करना है। अब आपका धागा अगर इधर से टूटता है तो आपका धागा सिर्फ यहाँ तक खुलेगा, फिर ये बंधी हुई है तो इससे आगे नहीं खुलेगा, तो इससे फॉल आपकी जल्दी नहीं निकलेगी। तो इस तरह मैंने आपको फॉल लगाने के तीन तरीके बता दिए हैं। अब आपको ध्यान देना है कि जैसा आपके पास टाइम है वैसा आपको काम करना है। अगर आपको फर्स्ट लगाना है तो आप इस तरह लगाइए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह लगाइए मजबूती से, और अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो आप इस तरह लगाइए, ठीक है। जैसा टाइम है वैसा काम करिए। तो अब मैं आपको साड़ी पे लगाना बताती हूँ। फॉल पर प्रेस करने के बाद अब आपको इसके मैचिंग का धागा लेना है। तो जैसे कि फॉल के साथ धागा दिया जाता है तो इसमें आपको क्या करना है कि बस इसके दो धागे निकालना है, ये दो धागे में ही रहता है, बस आपको धागा निकालते जाना है और सुई में डालना है। इस तरह धागे को डाला और इसको काट लिया, एक साइड आपको बांधना है और एक साइड इस तरह छोड़ना है, एक धागा आपका छोटा बड़ा रहना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर ये धागा कम पड़ जाता है तो आप रील वाला धागा भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे इसमें धागा डबल में रहता है तो इस धागे को भी आपको डबल करना है, ठीक है। तो इस तरह आप डबल कर लीजिए और काट कर सुई में डालिए।
अब आपको साड़ी फैलाना है और साड़ी के जो नीचे वाली साइड होती है उसमें आपको फॉल लगाना है। तो ये आप अच्छे से चेक करके ही लगाइए और इसमें इस तरह देख लीजिए, एक बित्ते कपड़े को छोड़ दीजिए और यहाँ पे निशान लगा लीजिए कि इतना कपड़ा छोड़ना है, फिर फॉल को यहाँ से शुरू करना है। अब फॉल को उल्टी साइड से फैलाइए, फॉल को उल्टी साइड से फैलाना है और इस साड़ी को पकड़ना है, इसके ऊपर रख देना है, इस तरह पकड़ना है आपको, ठीक है, कि आपकी जो सीधी वाली साइड है वो आपके सामने आ जाएगी और उल्टी वाली साइड से हमने साड़ी को उल्टा रख दिया है। ये साड़ी सीधी है लेकिन ये उल्टा इसमें आएगा, तो इस तरह रखा और इधर से ही इसको लगाना शुरू करेंगे। तो सुई को पहले फॉल में लगाना है इस तरह, अभी साड़ी को छोड़ दिया है कि जो बंधी वाली साइड है इसकी जो गांठ दिखती है वो अंदर की साइड छिप जाएगी। और ये जो मुड़ा हुआ कपड़ा है उसको भी आपको नीचे की साइड झुकाना है कि ये आपका सामने ना दिखे। अब आपको यहाँ पर अच्छे से मजबूती करना है। पहले आप एक ही जगह पे दो तीन बार इसको टांच दीजिए। और इस तरह निकालना है। तो यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए, जैसे ये फॉल में पहले से ही धागा डला रहता है तो इतना ही गैप आप रखिए, ठीक है, धागा की जो दूरी होगी बस इतना ही रखिए, हो सके तो इससे कम ही रखिए, ज्यादा बड़ा बड़ा आपको धागा नहीं डालना है, नहीं तो आपकी बिछिया में फंस सकता है। और आगे की साइड आपको बिल्कुल छोटा धागा डालना है। तो आगे का धागा आपका इतना छोटा छोटा आता जाएगा। और यहाँ पर आप एक बात को और ध्यान दीजिए, जैसे हमने धागे को मैच किया है फॉल से, ठीक है, लेकिन अब जो साड़ी की किनार है वो दूसरे कलर की है तो ये धागा आपका दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपकी साड़ी का बॉर्डर है उसी कलर का आपको धागा यूज करना है, फॉल के मैचिंग का नहीं, क्योंकि फॉल के साइड अगर धागा दिखता है तो चलेगा, लेकिन अगर आपके साड़ी के साइड दिखता है तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि साड़ी के मैच का कलर आपको यूज करना है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये पट्टी है जो ब्लैक कलर की है और ये फॉल का कलर का धागा है तो ये सामने आपका दिख रहा है। तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जब आप अपनी साड़ी में लगा रहे हैं तो आपको साड़ी के कलर का धागा यूज करना है, फॉल के कलर का नहीं, क्योंकि सामने की साइड धागा नहीं दिखना चाहिए। तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि आगे की साइड ज्यादा बड़ा धागा ना हो और पीछे की साइड भी ज्यादा आपको गैप नहीं लेना है, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह भी रखकर इसको लगा सकते हो जिससे आपको दोनों साइड देख सकते हो, ठीक है, इस तरफ भी देख सकते हो और इस तरफ भी देख सकते हो। तो इस तरह पहले आप तीन धागा सुई में भर लीजिए। और थोड़ा सा कपड़ा लेना है आपको साड़ी का और फिर पीछे की साइड जाना है और फिर आगे की साइड आना है और फिर आपको पीछे की साइड जाना है। तो इस तरह हमने तीन धागे इसमें एक साथ भर लिए हैं। अब इसको खींच देना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि इस धागे के पीछे की साइड जाना है, तो इस धागे के पीछे की साइड जाना है और इस तरह सुई को लगाना है। फिर हल्का सा कपड़ा आगे की साइड और फिर आपको पीछे की साइड। तो इस तरह आप तीन बार धागे को भर लीजिए और फिर सुई को खींच दीजिए।
तो इस तरह करने से क्या होता है कि धागा मजबूती से बनता जाता है। इसी तरह आपको पूरे फॉल को कंप्लीट करना है, एक साइड से आपको सेम आइडिया से करते जाना है। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान देना है कि आगे की साइड धागा छोटा छोटा दिखे, पीछे की साइड थोड़ा सा बड़ा होता है तो चल जाता है। बस पीछे भी आपको ज्यादा गैप नहीं रखना है और इसी तरह आपको पूरी फॉल को कंप्लीट करते जाना है। और इसमें मैंने जो आपको तीन तरीके बताए हैं वो इसी लाइन में यूज होंगे, मतलब आप किसी भी तरीके से एक तरीके से लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको नीचे की साइड फॉल लगाना बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में तुरपाई करना बताया था, तो नीचे की साइड वैसे ही तुरपाई की जाती है। तो इसके लिए आपको एक प्लेट लेना है जिससे आपको फॉल संभालने में आसानी पड़ेगी। अच्छे से इस तरह संभालिए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। तो पिन आपको इसलिए लगाना है कि जिससे ये फॉल आपकी बिल्कुल भी कहीं से फूले ना। तो अच्छे से मिलाते जाइए और पिन से रोकते जाइए। तो इस तरह आपको जगह जगह पिन लगाकर इसको रोकना है। और आप चाहें तो इस पे कच्चा धागा भी डाल सकते हैं जिससे आप आसानी से तुरपाई कर सकते हैं। तो इस तरह आपको बस खिसकाते जाना है और बराबर से मिलाते जाना है। इसका आपको ध्यान देना है कि कहीं पे भी साड़ी आपकी बिल्कुल फूले नहीं। तो आप पिन लगाना चाहें तो पिन लगाइए या आप इस पे कच्चा धागा डाल दीजिए जिससे ये अच्छे से रुक जाएगी और फिर आप आसानी से तुरपाई करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर तुरपाई करना है और तुरपाई के लिए तो आप जानते ही हैं कि सिंगल धागा डाला जाता है। तो आप सिंगल धागा डाल लीजिए और तुरपाई करना शुरू कीजिए। तो इस तरह नीचे से सुई को लगाया और ऊपर की साइड खींच दिया। और बस इस तरह तिरछे तिरछे धागा डालते जाइए। तो इस तरह आपको तिरछे तिरछे धागा डालते जाना है और जब आप मैचिंग का धागा यूज करेंगे तो सामने की साइड बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और जैसे आप कॉर्नर के पास पहुंचते हैं तो आपको क्या करना है कि यहां पर एक बार बांध देना है। तो इस तरह आप बांध दीजिए जिससे ये अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर बस यहीं से तुरपाई करना शुरू करिए। तो थोड़ा सा कपड़ा आपको साड़ी का लेना है और थोड़ा सा फॉल का लेना है और बस धागे को खींचते जाना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी आप फॉल लगाएं तो यहाँ पर या तो कच्चा धागा डाल लीजिए या पिन लगा लीजिए, तभी ये फॉल सफाई से आएगी। तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फॉल परफेक्ट और सुंदर लग जाएगी।
तो इस तरह पिन लगाने से क्या होता है कि फॉल भी जल्दी लग जाती है, आपको बार बार संभालना नहीं पड़ेगा, और आप चाहें तो जैसे आधी फॉल तैयार हुई और आपके पास टाइम नहीं है तो आप उठा के भी इसको रख सकते हो और फिर लगा सकते हो, इससे इसमें झूल नहीं आएगी। ठीक है, तो इस सब बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप कुछ काम में व्यस्त हैं और पूरी फॉल आपने एक बार तैयार नहीं की है तो आप उसको उठा के भी रख देंगे। तो बस अब आपको इसी तरह तुरपाई करते जाना है और पूरी फॉल को कंप्लीट करना है। बस आपको ध्यान देना है तो इधर ही देना है कि एक बार आपको इधर बांध देना है और जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो उधर भी बांध देना है। बस इस तरह आपकी फॉल लगकर कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थाली का इस्तेमाल तभी तक होता है जब तक आपने इसमें कच्चा धागा या पिन नहीं लगाया, तभी तक आपको थाली पर रखकर संभालना है। और जैसे ही आप इसमें पिन लगा लेंगे या कच्चा धागा डाल देंगे उसके बाद थाली का कोई काम नहीं है। फिर आप इसको हटा दीजिए और बस इस तरह पकड़िए, फिर आप हाथ में पकड़ कर तुरपाई कर सकते हैं। बस इस तरह पकड़ते जाइए और तुरपाई जल्दी जल्दी करते जाइए, फिर आपको थाली पर रखने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आपने उसको संभाला नहीं है अच्छे से तब तक आपको थाली पर रखना है, और जैसे ही आप फॉल को अच्छे से संभाल लेंगे फिर आपको थाली पर नहीं रखना है। तो देखिए कितनी सुंदर फॉल लग जाती है जब आप इस तरह लगाएंगे, तो कहीं पे भी झूल आने का सवाल ही नहीं रहता। आगे से देखिए धागा आपका कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। तो अब आप बनाइए और ट्राई कीजिए, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी ही लगाना सीख जाएंगे। इस तरह आज की क्लास कंप्लीट हुई। अब आप मुझे नाम के साथ कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी ऑन रखिए जिससे हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।